हमारा तैयार है, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार सा। देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें बहुत ही मसाला, देखें किस तरह से मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज को, मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप एक बार मैं आपकी शेफ रेस्टोरेंट में यूपीएस से चल रही हूँ। आज मैं बहुत यमी सी डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तंदूरी प्रॉन्स, जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और क्विक बनने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको तमाम रेसिपी की तरह मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे ऑलवेज मेरी कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो की एंड में मैं कोई ना कोई कुकिंग से रिलेटेड टिप्स जरूर बताऊंगा। आइए हम किचन की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि इस रेसिपी को किस तरह से बनाएंगे और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको किस तरह से सर्व करेंगे। देखिए हमारे पास है ये गरम मसाला है, ये हमारे पास है कसूरी मेथी, हमारे पास है ये तंदूरी मसाला, और इसके बाद हमारे पास है कश्मीरी मिर्च है, ये हमारे पास दही है, ये हमारे पास प्याज है। इसको आप क्या कर सकते हैं, अनियन को चॉप करके, चॉप आप ग्राइंड कर भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास प्रॉन्स है, और ये हमारे पास गार्निश के लिए कुटी हुई मिर्च और थाइम्स हैं। चलिए आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया 2-3 टेबलस्पून। अब गरम हो जाएगा तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसको हल्के से सॉटे करेंगे, ठीक है। हल्का सा हम इसको सॉटे करेंगे, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी प्याज है। आप तो चॉप की भी प्याज ले सकते हैं या आपने इसको ग्राइंड भी करके, इसमें पानी बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मसाला प्याज हो गई, हम इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे, ठीक है। इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, इसके अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 2 मिनट इसको भूनेंगे और इसके अंदर फिर हम दही डाल देंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर ज़रा सा हम पानी भी डाल देंगे, ठीक है। मसाला जलना नहीं चाहिए हमारा, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से हमने भुनना है। हमारा सालन मसाला हमने भुनना है, ज़रा सा दाल डाल के हमने इसको मसाले को हमने भुनना है। और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि तंदूरी मसाला में होममेड मसाला है, तंदूरी मसाला इसमें ऑलरेडी मैंने नमक डाला हुआ है, क्योंकि प्रॉन्स में ऑलरेडी नमक होता है, बहुत सॉल्टी होता है, तो इस वजह से हम इसमें नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, वरना मैं नहीं डाल रही क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम दाल डाल के भूनेंगे जब तक कि ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भून ना जाए, फिर इसके बाद हम इसमें प्रॉन्स डालेंगे। अंदर हम ये गर्म मसाला डाल देंगे 2-3 टेबलस्पून, ठीक है। अच्छी तरह से हमने मसाले को भुनना है, गर्म मसाला हमने डाला है, हमें ज़रा सा भी कच्चापना नहीं होना चाहिए, वरना खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। ऊपर से जो मैं गार्निश करूँगी, ऊपर मैं थाइम्स की गार्निश करूँगी और कुटी हुई मिर्च की। आप चाहें तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी डिफरेंट गार्निश करी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप इसके अंदर जो पकते हुए भी हरा धनिया डाल सकते हैं, ये सब टू यू, तो लेकिन मैंने नहीं डाला है, ठीक है। इसके अंदर जो मसाला भूनना है, चम्मच चलाते जाना है और मग में पानी ले लेना और इस तरह से आपने करना। देखें तरी जो हो रही है साइडों में आ रही है, देखें घी आ रही है सर, हमने बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। इसको मसाले को जितना हम अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा हमारा टेस्ट आएगा, ठीक है। बस इसके बाद हम 5-10 मिनट्स के बाद हम प्रॉन्स डालेंगे, इसमें प्रॉन्स डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें प्रॉन्स को अच्छी तरह से साफ करिएगा, जो ब्लैक ब्लैक होता है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कट जरूर लगवाया करें, वो एक तरह का होता है, मैं तो कोशिश करती हूँ लेकिन ये लोग फिर भी करते हैं। आप अपने तौर पे भी उस चीज़ को किया करें, ये लोग वरना उस चीज़ को करते हैं कि कट में साफ नहीं करते हैं सही से। तो ये विंग्स, उसके अंदर वेन होती है जो कि हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए खाने में, तो ये बस इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे। तैयार है, साइडों में तरी भी आ गई हमारी। अब इसके अंदर आप जितना चाहते हैं मसाला रखना, अगर इसको सालन नुमा रखना चाहते हैं सालन नुमा रखें, या मसाला सिर्फ रखना चाहते हैं इतना रखें। अब ये देखिए हो गया, इतनी ग्रेवी होनी चाहिए, इतनी गाढ़ी। अब इसको हम सर्व कर देंगे। देखिए बिल्कुल तरी आ चुकी है, रेड रेड बिल्कुल तरी आ चुकी है, घी उतर चुका है हमारा, धीमी आँच में और उतरेगा
और बस अब इसका हम सर्व करेंगे। हमारा तैयार है, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस, मज़ेदार सा। देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें बहुत ही मसाला, देखें किस तरह से मज़ेदार है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। और जाते जाते मैं एक टिप बताती चलूँ कि आपने इसको किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं और किस तरह से आप प्रॉन्स को साफ़ करते हैं। प्रॉन्स को क्या करेंगे, आप सिरका लगा के और पानी में छोड़ देंगे, और जब वो 5-10 मिनट के बाद इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो वेन होती है उसको आपने निकाल के, मतलब छुरी से उसको साइडों से निकालना है। दूसरा, इसका मसाला बना के, पैकेट्स बना के आप काफ़ी टाइम तक अपने पास फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और प्रॉन्स को भी आप साफ़ करके रखिएगा, अगर आपने प्रॉन्स को साफ़ नहीं करे तो उसके अंदर फ्रिज में भी स्मेल आएगी और वो जो उसके अंदर वेन वगैरह जो उसकी सफाई होगी वो नहीं कर हो सकेगी। चले मैं चलती हूँ, दोबारा आऊँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। यू ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।